नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे आज के onlyairway.com के इस यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं एक नया वीडियो लेकर के, एक नया टॉपिक लेकर के। लेकिन डिस्कस करने से पहले आपसे एक बार आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आप लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का टॉपिक। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं त्रिकुटा चूर्ण के बारे में। दोस्तों आजकल अक्सर शरीर अनेक रोगों से घिरा रहता है, ऐसे में अगर आप हर रोज त्रिकुटा का एक चौथाई चम्मच शहद के साथ सेवन करेंगे तो आप अनेक रोगों से सहज छूट सकेंगे। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि इसको बनाने और सेवन की विधि क्या है और इसको इसके सेवन में अपनाई जाने वाली सावधानियां क्या है। दोस्तों त्रिकुटा चूर्ण को त्रिकुटु चूर्ण भी कहते हैं और त्रिकुटा चूर्ण भी कहते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसको त्रिकुटा चूर्ण के नाम से ही बुलाएंगे। अगर त्रिकुटा चूर्ण कहा जा रहा है तो आप समझने की त्रिकुटु चूर्ण या त्रिकुटा चूर्ण दोनों के बारे में बात हो रही है, एक ही चूर्ण के दो नाम है। तो दोस्तों सौंठ, काली मिर्च और छोटी पिपली के चूर्ण को त्रिकुटा चूर्ण कहते हैं। त्रिकुटा के तीनों ही घटक आम पाचक हैं, अर्थात ये आम दोष का पाचन कर शरीर में इसकी विषैली मात्रा को कम करते हैं। आम दोष पाचन की कमजोरी के कारण शरीर में बिना पचे खाने की सड़न से बनने वाले विषैले तत्व हैं। आम दोष अनेक रोगों का कारण है, इसे कोई साधारण दवा मत समझिए, ये बहुत काम का चूर्ण है। विशेषकर सर्दी में ये आपको चमत्कारी परिणाम देगा, इसलिए एक बार जरूर आजमाएं और ऊर्जा से ओतप्रोत निरोगी हो जाएं। तो दोस्तों जान लेते हैं कि त्रिकुटा चूर्ण को बनाने का तरीका क्या है। दोस्तों सौंठ अथवा सुंठी भी कहते हैं जिसे, अथवा सूखी हुई अदरक, काली मिर्च, छोटी पीपल, इन तीनों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर कूट कर पीस कर अथवा मिक्सी में डालकर महीन चूर्ण बना लें। ऐसे बना हुआ चूर्ण त्रिकुटा चूर्ण या त्रिकुटु चूर्ण के नाम से जाना जाता है। ये चूर्ण अपच, गैस बनना, पेट की आव, कोलाइटिस, बवासीर, खांसी, कफ का बनना, साइनोसाइटिस, दमा, प्रमेह तथा बहुत सी बीमारियों में लाभ पहुंचाता है। शुंडी पाचन और श्वास अंगों पर विशेष प्रभाव दिखाता है, इसमें दर्द निवारक गुण मौजूद होते हैं। ये स्वाद में कटु और विपाक में मधुर है, ये स्वभाव में गर्म है। पिपली उत्तेजक, वाताहार, विरेचक तथा खांसी, स्वर बैठना, दमा, अपच में पक्षाघात आदि में उपयोगी है, ये तासीर में गर्म है। पिपली पाउडर शहद के साथ खांसी, अस्थमा, स्वर बैठना, हिचकी और अनिद्रा के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है, ये एक टॉनिक है। मारिच या मारिचा काली मिर्च को कहते हैं, इसके अन्य नाम ब्लैक पेपर, गोल मिर्च आदि हैं। ये एक पौधे से प्राप्त बिना पके फल हैं। ये स्वाद में कटु, गुण में गर्म और कटु विपाक हैं। इसका मुख्य प्रभाव पाचक, श्वसन और परिसंचरण अंगों पर होता है, ज्वरनाशक, कृमिहर और एंटीपायरेटिक है, इसलिए इसे निरंतर अंतराल पर आने वाले बुखार के लिए प्रयोग किया जाता है। अदरक का सूखा रूप सौंठ या शुंठी कहलाता है, एंटी एलर्जिक, वामन रोधी, सूजन दूर करने के, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी प्लेटलेट, ज्वारनाशक, एंटीसेप्टिक, कासरोधक, हृदय, पाचन और ब्लड शुगर को कम करने के गुण रखता है। ये खुशबूदार, उत्तेजक, भूख बढ़ाने वाला टॉनिक है। सौंठ का प्रयोग उल्टी, मिचली को दूर करता है। और दोस्तों देखते हैं कि त्रिकुटा चूर्ण के क्या अद्भुत फायदे हैं। दोस्तों इसे सेंधा नमक के साथ मिलाकर खाने से वमन, जी मिचलाना, भूख का ना लगना आदि में लाभ मिलता है। अर्जुन की छाल के साथ बनाया गया काढ़ा हृदय के रोगों में लाभ पहुंचाता है। खांसी, कफ, वायु, शूलनाशक व अग्निदीपक, मात्रा आधे से एक ग्राम प्रातःकाल सायंकाल शहद से लें। त्रिकुटा आधा चम्मच नित्य गुनगुने पानी से लेने से जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। त्रिकुटु, हल्दी, त्रिफला, वायोडिंग और मंडूर को बराबर मात्रा में मिलाकर इसे घी और शहद के साथ लेने से पीलिया ठीक होता है। साइनस में अगर कफ जम जाता हो तो त्रिकुटा और रीठा पानी में मिलाकर नाक में डालने से सारा जमा हुआ कफ बाहर निकल आता है। त्रिकुटा, करंज और सेंधा नमक घी और शहद के साथ बच्चों को देने से सूखा रोग में लाभ होता है। त्रिकुटा, ज्वाक्षार और सेंधा नमक छाछ के साथ लेने से जलोदर ठीक होता है। टॉन्सिल्स में सूजन के लिए त्रिकुटा और अविपत्तिकर चूर्ण को समान मात्रा में लेकर इसका एक चम्मच गुनगुने पानी से लें। त्रिकुटा, त्रिफला तथा मस्तक जड़, कटु की प्रगंध, निम्ब छाल, पटोल पत्र, वसा पुष्प व किरात तिक्त के पंचांग और गुड़ुची को लगभग एक ग्राम का चौथा भाग की बराबर मात्रा लेकर काढ़ा बना लें। इसे दिन में तीन बार लेने से अभिन्यास बुखार ठीक हो जाता है। त्रिकुटा, त्रिफला, पटोल के पत्ते, नीम की छाल, कुटकी चिरायता, इंद्रजौ,
पाड़ल और गिलोय आदि को मिलाकर काढ़ा बना लें। इसका सेवन सुबह तथा शाम में करने से सन्निपात बुखार ठीक हो जाता है। त्रिकुटा के बारीक चूर्ण में शहद मिलाकर चाटने से खांसी ठीक हो जाती है। कब्ज में त्रिकुटा 30 ग्राम, त्रिफला 30 ग्राम, पांचों प्रकार के नमक 50 ग्राम, अनारदाना 10 ग्राम तथा बड़ी हरड़ 10 ग्राम को पीसकर चूर्ण बना लें। इसमें से 6 ग्राम रात को ठंडे पानी के साथ लेने से कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। त्रिकुटा, त्रिफला, सुहागे की खील, शुद्ध गंधक, मुलट्ठी, करंज के बीज, हल्दी और शुद्ध जमाल गोटा को बराबर मात्रा में लेकर बारीक पीसकर चूर्ण बना लें। इसके बाद भंगरे के रस में मिलाकर 3 दिन तक रख दें। इसे बीच बीच में घोटते रहें, फिर इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें और इसे छाया में सुखा लें। इसमें से एक एक गोली खाना खाने के बाद सेवन करने से यकृत के रोग में लाभ मिलता है। त्रिकुटा, जवाखार और सेंधा नमक को छाछ यानी कि मट्ठा में मिलाकर पीने से जलोदर रोग ठीक हो जाता है। त्रिकुटा, चीता, अजवाइन, हाउबेर, सेंधा नमक और काली मिर्च को पीसकर चूर्ण बना लें। इसे छाछ या मट्ठे के साथ सेवन करने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। त्रिकुटा, चिरायता, बांसा, नीम की छाल, गिलोय और कुटकी को 5-5 ग्राम की मात्रा में लेकर काढ़ा बना लें। फिर इसे छानकर इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर सेवन करें। इससे पीलिया कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। दोस्तों, त्रिकुटा चूर्ण के सेवन में कुछ सावधानियां भी रखनी होती हैं। आइए जान लेते हैं क्या है। ये पित्त को बढ़ाने वाला चूर्ण है, इसलिए पित्त प्रकृति के लोग इसका सेवन सावधानी से करें। अधिक मात्रा में सेवन पेट में जलन, एसिडिटी आदि समस्या पैदा कर सकता है। जिन्हें पेट में सूजन हो वे इसका सेवन ना करें। शरीर में यदि पहले ही पित्त बढ़ा है, रक्त बहने का विकार है जिसे कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं दोस्तों, हाथ पैर में जलन है, अल्सर है, छाले हैं, तो भी इसका सेवन ना करें। आयुर्वेद में उष्ण चीजों का सेवन गर्भावस्था में निषेध है, त्रिकुटा का सेवन गर्भावस्था में ना करें। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से आयुर्वेद ने हमें हर चीज का हल दिया है। बस जरूरत है हमें उस हल को पहचानने की, उस सॉल्यूशन को पहचानने की। और मोस्टली सॉल्यूशंस हमारे पास हमारे किचन या गार्डन में अवेलेबल है, मैक्सिमम पंसारी की दुकान तक अवेलेबल है। तो आज की जरूरत है हमें कि हम अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करें, अपना रहन सहन चेंज करें, खाना पीना चेंज करें। तो दोस्तों, आइए इस आयुर्वेद को पहचानें, इससे जुड़ें, इसे अपनाएं। और दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए ताकि हम आपको नए नए वीडियोस देते रहें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर करें। अगर आपको किसी वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो वो हम जरूर आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे शीघ्र एक नए वीडियो में। नमस्कार।